बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये रेसिपी मैं पाकिस्तान से आपको दे रही हूँ। चिकन पुलाव बना रहे हैं, मैं कहीं मेहमान आई हूँ, इधर बना रहे थे तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन है। इधर प्याज 3 साइज़, 3 बड़े साइज के प्याज, ये ब्राउन का। इधर लहसुन अदरक कूट लिए, ये चावल इधर भिगो रही तकरीबन 1-2 घंटे, 1 घंटे पहले भिगो लें तो अच्छा है, लेकिन हम साथ ही अब भिगो रहे हैं। प्याज ब्राउन हो गया, अब इसमें चिकन शामिल कर, अब इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। प्याज ये मेरा भतीजा आज बना रहा है, भांजा भी है, भतीजा भी। मेरा मुंह ना बहाया नहीं तो सारे अच्छी तरह इसमें भूनना है। उसके बाद अदरक लहसुन ये थोड़ा सा जीरा डालकर डाल दिया। अदरक लहसुन थोड़ा सा अदरक और लहसुन, और तकरीबन 1.5 किलो चावल थे, 1.5 किलो ही चिकन है, और 3-4 प्याज और 1.5 कप पानी, ये हिसाब है इसका। पानी अच्छा नमक बात से कितनी देर बनाया है? हाँ मैं आपको देर नहीं करनी, इसको भूनते हुए काफी देर हो गई है, तकरीबन 20-25 मिनट भूना है। अब इसमें टमाटर शामिल करें, ये अब टमाटर 3-4 अदर टमाटर डालने, अभी टमाटर में पानी छोड़ना। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमने नमक जो है वो 3 चम्मच डाला है, क्योंकि नमक तो हम बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर एक दफा नमक ज्यादा हो जाएगा तो सारा पुलाव बर्बाद हो जाएगा। मैं तो वो नहीं कह रहा, पहले जेड़ा सुरक मर्च तकरीबन 2 चम्मच ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा नमक तो पहले भी जब पास नहीं, नहीं नमक इस पर वीडियो बना रहे हो ना, नमक बाद जो पानी पाना ना ओद में पा सकते हैं। अच्छा चिकन शामिल हो जाता है? हाँ चिकन शामिल हो जाता है, चिकन शामिल हो गया है। अच्छा चिकन वास्ते तो बहुत है, चावलों के बीच जेड़ा है। अच्छा इस वजह काफी देर कितनी देर भुने हैं? उन्होंने भुने हैं तकरीबन चिकन को 20-25 मिनट भुने हैं। पानी के बबल है, थोड़ी देर बाद ही आग छोड़ देगा। अभी इसमें हरी मिर्ची ऐड करें, तो कलर अच्छा इतनी देर इसको भूना है, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया चिकन भी। पाकिस्तान में चिकन थोड़ा देर से गलता है, उसको ज़्यादा भूना तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको भूनने के बाद अब पानी एक मिनट है, एक मिनट में खा लीजिए, एक चम्मच है। गिलास कितने गिलास चावल? अबे तो मजे के नहीं। हाँ कितने गिलास चावल? 4 गिलास चावल थे, उसमें 8 गिलास पानी।
डबल हाँ डबल डबल हिसाब से डबल ही है। अब इसमें 8 गिलास पानी डाला है, 4 गिलास चावल से डबल पानी डाल दिए। अच्छा तो पिसी काली मिर्च आप पिसी काली मिर्च बदल रहे हैं, ये साबुत गरम मसाला ये लेके हैं बाजार से, तो ये सारा थोड़ा डाल बस 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 नहीं काट, ये 2 करी पत्ते डाले हैं इसके अंदर। हाँ जी ये पप्पू मैं इसमें चावल डालने लगा हूँ। हाँ जी ये साथ ही सब्ज मिर्चे और धनिए की चटनी बना रहे हैं। ये गरम मसाला इसमें काली मिर्च लौंग जीरा दालचीनी ये सारा डाल दिया। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है तो आप दम पे रखना है इसके बाद, तो ये सारा मसाला ये बिल्कुल एंड पे डालना है। सब्ज मिर्ची और धनिया की कुंडी में इसका अपना ही टेस्ट होता है, ये रायता साथ में आ गया। हम दसो के दम च देने लगे कितनी देर बाद, अब हम इन चावलों के दम पर रखने लगे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला 10-15 मिनट बाद ये चावल तैयार हो जाएंगे। ये करीब से दिखाती हूँ, इतने अच्छे लग रहे हैं, अभी हल्का हल्का इसके अंदर पानी है, दम में ठीक हो जाएगा। मैं एक थोड़ा सा धुआं है ना, अभी एंड पे फाइनल लुक 15-20 मिनट बाद। ये इसकी फाइनल लुक है, इसको 15-20 मिनट दम दिया है, ये मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। इतना अच्छा पुलाव माशाल्लाह बना है, तो अब इसको डिश आउट करते हैं। हाँ जी ठीक है। हाँ जी मैं चलो ठीक ही है, थोड़ा जेहा कसर है ना, नहीं नहीं अच्छे, थोड़ी देर बाद खुश करो ठीक है। चलो दूजी में पाक रहा है, चलो ठीक है रही बात। बहुत ही मजे के बने हैं। चिकन का पुलाव तैयार है पाकिस्तान में, मैं इधर मेहमान आई हुई हूँ, मेरी फुफो की बेटी है उसके घर मेहमान आई हुई हूँ, तो उनके बेटे ने ये बनाया, तो इतना अच्छा पुलाव बना है और इतना अच्छा डिफरेंट तरीके से, ये साथ रायता सब्ज मिर्च धनिया से हम खाने लगे थे, तो मैंने आपको आखिरी सीन दिखा दी। इतने मजे के चावल बने हैं, सारे स्टेप आपको दिखाए हैं, हर एक का बनाने का मुख्तलिफ तरीका होता है, तो ये इन्होंने अपने तरीके से बनाया है मेरे भतीजे ने, तो मुझे तो बड़े अच्छे लगे हैं। आप भी इस तरीके से जरूर बना के देखें, इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं पाकिस्तान से। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी आपको रेसिपियाँ दे सकूँ, जितना मेरा दिल खैर मेरा प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपनी गाँव में हमें याद रखें, अल्लाह हाफिज़।